बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, सर हम डॉक्टर की तैयारी कर, जैसे 12th में पढ़ते हैं ना, क्या बनो क्या बनो, डॉक्टर बनेगा, कौड़ी के तीन है, किसी लायक नहीं है, कहो ये तो करेंगे वो, कहो के पढ़ने के लिए कहेंगे खेलेंगे, सर कल से करेंगे परसों से करेंगे, कहाँ से बन जाएंगे। सोचना और करने में बहुत अंतर होता है। अब बोला क्या है, अ मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक, अ मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला क्या, मैन वॉक ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे, मतलब 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसका घर है, ये होम है और ये मार्केट है, ये क्या है, मार्केट है ठीक। ये घर से मार्केट कुछ 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 या आप बोल सकते हो 5/2 किलोमीटर है, और ये चलना शुरू किया, ये चलना शुरू किया कित स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर ठीक। फिर इतना बोल दिया, फाइंडिंग द मार्केट विल बी क्लोज ठीक, ही इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक टू होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5। इसको क्या देखा है इसने, क्लोज। अब क्लोज है तो सीधे घर की ओर आना है, और जब घर की ओर आ रहा है तो थोड़ा दौड़ के, मतलब ज्यादा तेज आ रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं कहां तक पहुंचता है 7.5 से। और द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम इज 40 मिनट। आपको उस आदमी की एवरेज स्पीड 40 मिनट में बतानी है कितनी होगी, मतलब 40 मिनट की जर्नी पे बतानी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें, बच्चों ध्यान से देखें, सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो कितना टाइम टेक करेगा, उस 40 मिनट में कितना टाइम लेगा वो, आओ देखते हैं। तो अगर हम टाइम निकालें पहली जर्नी के, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है 5/2 और वेलोसिटी कितनी है 5, तो आया आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब हुआ 30 मिनट। उसने 40 मिनट में 30 मिनट तो दुकान तक पहुंचते ही ले लिया, बचा कितना 10 मिनट ठीक। तो मान लो कि 10 मिनट में यहां तक पहुंचा, 10 मिनट में यहां तक पहुंचा ठीक। 10 मिनट को आर में हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो हम 10 मिनट को अगर हम आर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 मिनट्स 1 आर, 1 मिनट 1/60 आर। कितना देखना है 10 मिनट। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि जिस लड़के का बिल्कुल बेसिक भी नहीं अच्छा ना वो भी इसको कर ले। तो कितना टाइम रिमेनिंग, 10 मिनट यानी कि 1/6 आर बचा है। तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया, 1/6 आर। डिस्टेंस देख लो कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 7.5। 7.5 को आप क्या बोल सकते हो, 13/2 बोल सकते हैं ना, 13/2 चलो कोई बात नहीं। और ये कितना है, 1/6 है ठीक। ये आपकी X2 जर्नी हो गई और वो X1 ठीक है। ये 2.5 किलोमीटर X1 मतलब 2.5 किलोमीटर गया, और जब 10 मिनट में सिर्फ कितना चल पाए, इतना। तो 7.5 इंटू अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू डिवाइड 1/6, तो इसका मतलब ये 1.25 किलोमीटर। तो हमें ये चीज डिस्क्राइब हो गया कि ये 40 मिनट में 2.5 किलोमीटर और 1.25 जितना इतना बस ये चला है। तो अब हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालें, यहां पे देखें, अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसने टोटल टाइम 40 मिनट टेक किया, कितना टेक किया 40 मिनट। तो 40 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/6 या आप ये बोल सकते हैं 2/3 आर। भाई 40 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 2/3 आर बोल सकते हैं ना। भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ 40 रखो तो 40/60 0 0 कट गया, 2 और 3 2/3। और X1 कितना है बच्चों, 2.5, और X2 कितना है 1.25 डिवाइडेड बाई कितना है, 2/3। ये जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका आएगा 45/8। आप जोड़ के भी देख सकते हो कि अगर हम इसको जोड़ दिए तो 2.5 3.75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 5.62। कितना आएगा 5.62,
और 45 बाई 8 को भी डिवाइड करोगे तो 5.62। तो कौन सा आंसर? डी आंसर विल बी करेक्ट। ठीक, लिख लीजिए।